जहां पर एक विमान क्रैश हुआ है और जलकर खाक हो गया है। पुलिस अधीक्षक मौके से रवाना हो गए हैं, दमकल विभाग मौके से रवाना हो गया है। वही तस्वीरें आप देखिए, पूरा जो विमान है आग के गोले में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है प्लेन हादसे में पायलट सुरक्षित है, ये बताया जा रहा है। पर आबादी वाले इलाके में ये हादसा नहीं हुआ। एक और बड़ी खबर अपडेट सामने आई है कि मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र मीणा, एसपी बाड़मेर। नरेंद्र जी स्वागत है आपका सच में धड़क में। नरेंद्र जी, सर आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी हाँ बताइए सर। बाड़मेर में ये हादसा हुआ, विमान क्रैश हुआ और उसमें आग लगी, फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, पायलट सुरक्षित है क्या सर? पायलट सुरक्षित है, मैं मौके पे पहुंच गया, अलानी के ढाणी बीच नागाड़ा में है जी, और हम मौके पे पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई है, सभी पहुंच गए हैं, देख रहे हैं मौके पे हैं जी। क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है सर? दमकल विभाग है मौके पर? काबू पा लिया, वैसे कोई जनहानि नहीं है, पायलट सुरक्षित है जी, पुलिस पे देख रहे हैं, वो जंगल वो खेतों में है जी। अभी जैसे इसमें जो सुविधा है जी पानी वाली, वो भरकर मौके पे ग्रामीण है और सभी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल की बड़ी जानकारी, जहां पर हमारे साथ एसपी साहब भी जुड़े नरेंद्र मीणा, जिन्होंने कहा कि अभी सब कुछ ठीक है और आग पर काबू पाया जा रहा है, पायलट सुरक्षित है। जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं, ये जानकारी सामने आई है और खुद हमारे साथ बाड़मेर के एसपी जुड़े हुए थे नरेंद्र मीणा, जिन्होंने कहा कि वो मौके पर पहुंच गए हैं, पूरे मामले की जांच चल रही है और पायलट सुरक्षित है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो फिलहाल की ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि पायलट सुरक्षित है, मौके पर दमकल विभाग पहुंच गया है, जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी जारी है। एक और अपडेट सामने आई है, आग पर काबू पा लिया गया है और सिर्फ वहां पर पायलट मौजूद था जो कि सुरक्षित है, ये जानकारी सामने आ रही है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, यानी पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है, दमकल विभाग मौके पर मौजूद है जिसने आग पर काबू पा लिया है। और कहा जा रहा है कि ये विमान किसी खेत में क्रैश हुआ है, यानी कि आबादी वाले इलाके में ये विमान क्रैश नहीं हुआ, किसी खेत में हुआ था, जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, पायलट भी सुरक्षित है, रूटीन एक्टिविटी यहां पर की जा रही थी और उसके बाद ये हादसा हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बाड़मेर से, जहां एक प्लेन क्रैश हुआ, मौके पर दमकल विभाग मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं, जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। कवास के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये हादसा हुआ है, गनीमत रहे कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और पायलट भी सुरक्षित बताया जा रहा है। बाड़मेर एयरफोर्स के जो कर्मचारी हैं वो भी पहुंच गए हैं मौके पर। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, फिलहाल की बड़ी अपडेट दे रहे हैं। उत्तरलाई एयरबेस से एयरफोर्स अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।
पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं। देखिए रूटीन एक्टिविटी यहां पर की जा रही थी और इस बीच ये हादसा हुआ, ये घटना घटी। मिग विमान क्रैश हो गया और क्रैश होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, धुएं का गुबार भी आपने देखा। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा पहुंच गए हैं और जिनसे हमारी बातचीत भी हुई थी अभी, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो पायलट है वो सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके अलावा एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। बाड़मेर एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है, रूटीन एक्टिविटी चल रही थी, उस बीच ये हादसा हो गया। गनीमत रहेगी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और जो पायलट है वो भी सुरक्षित बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको हम बाड़मेर से बता रहे हैं। कवास के पास ये प्लेन क्रैश हुआ, फिलहाल पूरा अमला मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल चल रही है। बाड़मेर में उत्तलाई एयरबेस के पास फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था, यानी कि वो विमान से बाहर निकल गया था, उसने एग्जिट कर लिया था। हादसा देखिए बहुत गंभीर है लेकिन कोई ज्यादा जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर कलेक्टर पहुंच गई है मौके पर, इसके अलावा एसपी मौके पर पहुंच गए हैं, पुलिस का आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और साथ ही जो आग लगी थी अब उस पर भी काबू पा लिया गया है। और देखिए यह हादसा बाड़मेर उत्तलाई एयरबेस के पास हुआ है और बताया यह भी जा रहा है कि तेज धमाके के साथ प्लेन में एकदम से आग लगी थी, पायलट क्रैश होने से पहले सुनसान जगह पर ले गया। तो अपनी सूझबूझ से जो पायलट है वो उसे किसी सुनसान जगह पर ले गया, आबादी वाली जगह पर नहीं ले गया बल्कि वो किसी एक खाली जगह पर ले गया था जहां पर कोई मौजूद ना हो, कोई आबादी ही ना हो। तो उसे सूझबूझ के तरीके से उस प्लेन को ले गया और उसके बाद उसने खुद एग्जिट करके अपनी जान बचा ली। तो फिलहाल देखिए मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और अभी स्थिति ठीक बताई जा रही है। पायलट सुरक्षित है, आग पर काबू पा लिया गया है और गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, आबादी वाला इलाका नहीं था और पायलट ने अपनी सूझबूझ से इस प्लेन को सुनसान जगह पर ले गया ताकि कोई और बड़ा हादसा ना हो, कोई जनहानि ना हो जाए। और उसने पहले ही क्रैश होने से पहले ही उसने एग्जिट कर लिया था विमान से, जिसके बाद वो उसकी जान भी बच गई।
तो देखिए वायुसेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं। अभी आग पर भी काबू पा लिया गया है और थोड़ी बहुत जो चोट आई है पायलट को इसको लेकर भी उसको फर्स्ट एड दे दिया गया है। तो रूटीन एक्सरसाइज के दौरान ये हादसा हुआ, ये घटना घटी, लेकिन गनीमत रही है कि कोई बड़ा हादसा ज्यादा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है। आग पर फिलहाल अभी काबू पा लिया गया है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौजूद हैं और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कोई और नुकसान तो नहीं हुआ। वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। तो देखिए बांद्रा गांव के पास ये प्लेन गिरा, रूटीन एक्सरसाइज के दौरान ये हादसा हुआ। बाड़मेर में उतलाई एयरबेस के पास फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। पायलट ने क्रैश से पहले एग्जिट कर लिया था, फाइटर प्लेन रहवासी राणी से दूर जाकर क्रैश हुआ है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने जानकारी दे दी है, उन्होंने कहा कि अभी जो पायलट है वो सुरक्षित है, उसने एग्जिट कर लिया था और अपनी सूझबूझ से वह प्लेन को किसी सुनसान जगह पर ले गया ताकि कोई जनहानि ना हो सके, आबादी से दूर ले गया। तो तरीके से कह सकते हैं कि पायलट ने अपनी जान बचाने के साथ साथ बाकी लोगों की भी जान बचाई है। तो अपनी सूझबूझ से वह एक इस विमान को सुनसान जगह पर ले गया और उसने खुद भी एग्जिट कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि इसमें एक नहीं बल्कि दो पायलट थे और दोनों ही पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुरक्षित बताए जा रहे हैं, बांद्रा गांव के पास ये प्लेन गिरा और रूटीन एक्सरसाइज के दौरान ये हादसा हुआ और दोनों ही पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए दोनों ही पायलट ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई और साथ ही उन्होंने इस प्लेन को वो एक सुनसान जगह पर ले गए ताकि कोई बड़ी जनहानि ना हो। तो दोनों ही पायलट ने अपनी जान बचाने के साथ साथ आबादी को भी सुरक्षित रखा, लेकिन पूरा जो विमान है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। We'll be right back.
फिलहाल की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दोनों ही पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रहेगी, कोई बड़ी जानकारी नहीं हुई है, दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। संवाददाता भुवनेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भुवनेश, अभी क्या कुछ अपडेट है? भुवनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भुवनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे भुवनेश आपसे। तो फिलहाल की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। मौके पर जिला कलेक्टर और SP पहुंच गए हैं और साथ ही अब आग पर काबू पा लिया गया है।